फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बुक थ्री की फर्स्ट पोयम को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि इस वीडियो के आखिर में हमने इंपॉर्टेंट कोटेशन जो आप इसकी एक्सप्लेनेशन में, इस पोयम की जब आप समरी और एक्सप्लेनेशन लिखते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं वो होंगी, और ये वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो बार बार एनुअल एग्जाम में आ चुकी हैं। तो याद रहे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इन शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा आपने और कोई किसी किस्म के एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर करने। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। What is meant by rich leaves? Most important question है इसका, question number 1, question number 3 and 4, ये याद रखिएगा। The poet calls the upper leaves as rich leaves because they enjoy more quantity of rain than the poor leaves beneath. They give water to lower leaves drop by drop. They are green leaves. Upper leaves also symbolize the rich people of the society. तो ये इसका आंसर है। बड़ा ही सिंपल मैंने इसको आपके लिए राइट डाउन किया है। व्हाट इज द सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ द पोइम रेन, ये भी काफी बार आ चुका है। द रेन सिंबलाइजेज द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, द रिच लीव्स स्टैंड फॉर रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी एंड द पोअर लीव्स स्टैंड फॉर पोअर पीपल ऑफ द सोसाइटी। सन इज द सिंबल ऑफ होप इन आवर सोसाइटी, अपर क्लास इंजॉयज ऑल सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पोअर पीपल ऑलवेज कंसिडर इन्फीरियर इन आवर सोसाइटी। जैसे मैंने बताया है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 1 इनको आपने लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? हाउ कैन अ रेनी डे बी इंजॉयड, किस तरह हम रेनी बारिश के दिन को इंजॉय करते हैं, रेन के दिन को। रेन इज ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। अ रेनी डे कैन बी इंजॉयड बाय लिसनिंग टू द स्वीट म्यूजिक विच रेन ड्रॉप्स क्रिएट। वन कैन इंजॉय द रेनी डे बाय वॉचिंग द सीन ऑफ रेनफॉल, पीपल मे गो टू पार्क्स विद देयर फैमिलीज। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, What would happen when the rain stops? ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जब बारिश रुकती है तो क्या होगा, या इस तरह भी आ सकता है, What happens when the sun shines brightly? तो उस वक्त क्या होगा जब सूरज जो है वो खूब चमकेगा या चमकता है। When the rain stops, the sun will shine bright and a wonderful light will fill every dark drop. It will be beautiful scene to see. लास्ट स्लाइड है हमारे पास, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, हाउ डज द रेन फॉल ऑन पोर लीव्स। पहले हमने पढ़ा था जो है रिच लीव्स से क्या मुराद है, अब पोर लीव्स कौन सी हैं। तो याद रखिए, ये वो लीव्स हैं जो सबसे एंड पे होते हैं किसी भी दरख्त के। द रेन फॉल्स ऑन पोर लीव्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, इट फर्स्ट फॉल्स ऑन अपर लीव्स, देन द पोर लीव्स गेट द वाटर फ्रॉम अपर लीव्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। अपर लीव्स आर ऑन द टॉप एंड दे गेट मोर वाटर। और लास्ट में ये कोटेशन हैं जो आप इसकी एक्सप्लेनेशन या समरी में ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 पे है, लुक डीप इन टू नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। आइंस्टाइन की है, आपने रेफरेंस भी लिख लेना है इसका। इफ़ यू ट्रूली लव नेचर यू विल फाइंड ब्यूटी एवरीवेयर, वन टच ऑफ नेचर मेक्स द होल वर्ल्ड किंग, विलियम शेक्सपियर की है। बहुत ही ज़्यादा फेमस कोटेशन है ये। द अर्थ हैज म्यूजिक फॉर दोज हू लिसन। तो ये हमारे पास लास्ट कोटेशन थी, और इसी के साथ वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी कीजिए। थैंक यू।